गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है बेटा। और बेटा चैप्टर का नाम मैं आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, पॉलीनोमियल्स। जो कंसेप्ट हमने पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़े थे, पॉलीनोमियल्स की पहले वाली वीडियो में पढ़े थे, वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं। तो हम फटाफट ये क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, फिर आपको क्या करना है, खुद ये एक्सरसाइज अपनी फिर कॉपी में करनी है। कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को देखते हुए अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अपने डाउट ले सकते हो। सो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन। जस्ट रीड द क्वेश्चन बेटा। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स इन वन वेरिएबल। कि बेटा हमको ये बताना है कि दिए गए पांच ऑप्शंस में कौन सा पॉलीनोमियल है, लेकिन कितने वेरिएबल में बेटा, एक वेरिएबल है। मतलब ए बी सी डी में से कोई एक ए बी सी डी होनी चाहिए, एक लेटर होना चाहिए, डबल लेटर या ट्रिपल लेटर नहीं होने चाहिए। एंड विच आर नॉट, और कौन नहीं है हमें ये बताना है, कौन है और कौन नहीं है। देखो बेटा हम चेक करते हैं, मैंने आपको ये बताया था बेटा पॉलीनोमियल वो होता है जिसके अंदर पावर क्या हो, या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। तो हमें वही चीज़ पकड़नी है। चेक करो, 4x² - 3x + 7। चेक करो, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 0। आया बस अन में, तो पावर के हिसाब से तो ये पॉलीनोमियल है, क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला था, वन वेरिएबल। चेक करो, x, x और x मीन्स ये हमारा पॉलीनोमियल है इन वन वेरिएबल। तो हमारा आंसर आएगा यस, y² + √2। चेक करो, इसकी पावर कितनी है 2 और इसकी पावर कितनी है 0। तो पावर के हिसाब से तो पॉलीनोमियल है। क्वेश्चन के हिसाब से चेक करो कितनी क्या है y, यहाँ पे क्या है y मीन्स देर इज अ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, यस, क्लियर। थर्ड, 3√2 + t√2, 3√t + t√2। चेक करो बेटा, 3, t की पावर कितनी है 1/2 प्लस टी, 2 की पावर कितनी है 1/2। मैंने आपको क्या बताया था, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में, मीन्स ये पॉलीनोमियल नहीं है, क्लियर है। नेक्स्ट, y + 2/y, इसको मैं क्या ले सकता हूँ, y + 2 × देखो बेटा नीचे पावर कितनी है +1, ऊपर जाके -1, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है -1। मैंने आपको बताया था पावर नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए, मीन्स ये पॉलीनोमियल नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, चेक करो बेटा, पावर कितनी है 10 × 3 = 50। पावर के सही हिसाब से तो पॉलीनोमियल है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, देयर इज अ सिंगल वेरिएबल। यहाँ कितना है एक्स, वाई और टी, कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है, मीन्स ये हमारा पॉलीनोमियल नहीं है इन सिंगल वेरिएबल, क्लियर सभी को ये बात, सभी को समझ में आया। ओके बेटा, नाउ रीड सेकंड क्वेश्चन प्लीज। राइट द कोफिशियंट ऑफ x², हमें क्या बताना है, x² का कोफिशियंट बताना है पांचों पार्ट के अंदर। तो बेटा चेक करो, 2 + x² + x, x² का आगे बेटा कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, मतलब बेटा हम क्या मान सकते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है 1, और 1 में किसका है प्लस, तो हमारा कोफिशियंट क्या आ जाएगा 1, क्लियर। सेकंड चेक करो बेटा, x² का कुछ भी नहीं, क्या लिखा हुआ बेटा 1, लेकिन बेटा किसका है वो, माइनस का। बेटा इसमें चेक करो, x² का क्या लिखा हुआ है π/2, तो हमारा कोफिशियंट क्या हो गया बेटा π/2, क्लियर। लास्ट पार्ट बेटा चेक करो, इस क्वेश्चन में हमारा x² तो है ही नहीं, तो बेटा x² अगर नहीं है तो उसका कोफिशियंट क्या होगा बेटा 0, क्लियर है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन। गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब बेटा मैंने आपको बताया था ना इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, बाइनोमियल का मतलब होता है कितने टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म, डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। मतलब क्या बेटा, हमको 2 टर्म लिखनी है, वो 2 टर्म या तो प्लस में होंगी या किस में होंगी, या तो बीच में क्या होगा प्लस या बीच में क्या होगा माइनस, क्लियर। और उन दोनों टर्म में खास बात क्या होनी चाहिए बेटा, बड़ी से बड़ी पावर होनी चाहिए 35। जैसे अगर मैं बात करूँ x³ = 35 + x³ = 34, तो ये मेरा आंसर हो गया। या कुछ और भी हो सकता है, x³ = 35 + -3, ये भी हो सकता है। मीन्स आपको ये ध्यान देना है बड़ी से बड़ी पावर कितनी होनी चाहिए 35, क्लियर। नेक्स्ट का बोला उसने आपको मोनोमियल, मोनोमियल मतलब बेटा एक ही टर्म होनी चाहिए जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। तो बेटा चेक करो,
डिग्री 100 करनी है हमको, तो बेटा क्या हो गया, x की पावर सीधा सीधा 100। आपको सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए आपके पास, क्लियर है, एक टर्म होगा तो आपका आंसर आएगा, क्लियर है, x की पावर 100 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर है। नंबर वन नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, और राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बेटा आपको बताने हैं सभी की डिग्रीज, मैंने आपको क्या बताया था बेटा, डिग्री क्या होती है, बड़ी से बड़ी पावर। चेक करो बेटा फर्स्ट पार्ट, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, बेटा चेक करो इसकी पावर कितनी है, 3, इसकी पावर कितनी है, 2, इसकी पावर कितनी है, 1, बेटा सबसे बड़ा कौन, 3, तो 3 क्या होगी इसकी डिग्री, क्लियर है। सेकेंड पार्ट चेक करो बेटा, इसकी पावर कितनी है, 0, इसकी पावर कितनी है, 2, तो हमारी डिग्री क्या हो गई, 2। नेक्स्ट चेक करो बेटा, इसकी डिग्री, इसकी पावर कितनी है, 1, और इसकी पावर कितनी है, 0, तो बेटा बड़ा कौन, 1, तो हमारी डिग्री क्या हो गई, 1। 3 बेटा, 3 को मैंने आपको क्या बताया था, 3 क्या है, कॉन्स्टेंट, और इसका नाम क्या होता है, कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल। तो बेटा 0 या कोई भी नंबर आ जाए, उस नंबर की जो डिग्री होगी हमेशा वो डिग्री क्या होगी बेटा, 0। आपको कौन सा क्या याद करना है, 0, कि कोई भी नंबर हो उस नंबर की डिग्री क्या क्या काउंट होगी बेटा, 0, क्लियर है सभी को। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि अगर डिग्री होती है 1 तो उसका नाम होता है लीनियर, अगर डिग्री होती है 2 तो उसका नाम क्या होता है बेटा, क्वाड्रेटिक, और बेटा अगर डिग्री क्या हो बेटा, 3, उसका नाम क्या होता है बेटा, क्यूबिक। तो आपको क्या करना है बेटा, इन तीन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। डिग्री आपको आती है, नाम आपको पता है, अगर आप अगला क्वेश्चन डन, जैसे कि चेक करूं, फर्स्ट पार्ट x² प्लस x, सेकेंड पार्ट x - x³, थर्ड पार्ट y + y² प्लस 4, फोर्थ पार्ट 1 + x, फिफ्थ पार्ट 3t, सिक्स्थ पार्ट r², सेवन्थ पार्ट 7x³। चेक करो बेटा कितनी पावर है, 2, कितनी पावर है, 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 2, और डिग्री 2 को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक, क्लियर। पावर कितनी है, 1, पावर कितनी है, 3, बड़ा कौन, 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूबिक। कितनी पावर है, 2, कितनी पावर है, 1, कितनी पावर है, 0, बड़ा कौन, 2, तो नाम क्या हो जाएगा इसका बेटा, क्वाड्रेटिक। पावर कितनी है, 3, तो उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, क्यूबिक, क्लियर है। चेक करो पाव कितनी है, 2, क्या नाम हो गया इसका, क्वाड्रेटिक। पाव कितनी है, 1, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, लीनियर। इसकी पाव कितनी है, 0, इसकी पाव कितनी है, 1, बड़ा कौन, 1, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, लीनियर, क्लियर सभी को। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज वी हैव स्टडीड, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट कंसेप्ट्स। तो टिल देन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक विद ऑल द क्वेश्चंस, विद ऑल द पार्ट्स एंड देयर एक्सप्लेनेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।